आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास सिंप्लेक्स मेथड। किसी भी एलपीपी को हम सिंप्लेक्स मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम ये देखते हैं। उसको हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। ये एलपीपी दी हुई है मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 + 5x2 + 4x3। ये फ्रेंड्स हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और एक कंडीशन दी हुई है अपने पास 2x1 + 3x2 < 8। 3x1 + 2x2 + 4x3 < 15। 2x2 + 5x3 < 10। एंड x1 x2 x3 > 0। फ्रेंड्स अब इनको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो भी इनइक्वलिटीज दी हुई होती हैं ये इनइक्वलिटीज हैं इनको हम इक्वलिटीज में चेंज करते हैं। तो इनको इक्वलिटी या इक्वेशन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये इनमें हम स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ये कम है तो इसको स्लैक वेरिएबल जोड़ेंगे हम इसमें। तो स्लैक वेरिएबल जोड़ते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 2x1 + 3x2 + यहाँ एक स्लैक वेरिएबल जोड़ दिया हमने s1 = 8। जहाँ पे फ्रेंड्स s1 > 0 क्योंकि s1 0 से छोटा होगा तो ये स्लैक वेरिएबल नहीं होगा, ये सरप्लस वेरिएबल हो जाएगा। तो इसी तरह 3x1 + 2x2 + 4x3 + s2 = 15 एंड 2x2 + 5x3 + s3 = 10। फिर हमने s1 s2 एंड s3 वेयर s1 s2 s3 > 0 एंड कॉल्ड सिलेक्ट वेरिएबल। एंड फ्रेंड्स x1 x2 x3 > 0 हैं, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब फ्रेंड्स हम यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम जेड बराबर ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखेंगे 3x1 + 5x2 + 4x3। फ्रेंड्स ये जो सिलेक्ट वेरिएबल जोड़े हैं इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 0s1 + 0s2 + 0s3। फ्रेंड्स इससे हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि 3x1 + 5x2 + 4x3 वाली वैल्यू देगा क्योंकि यहाँ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरह से। अब फ्रेंड्स यहाँ को हम इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हम सबसे पहले इसको AX = B फॉर्म में लिखते हैं। तो ए एक्स यहाँ पे ए बराबर क्या है फ्रेंड्स, ए बराबर अपने पास 2 3 एंड यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट है वो 0। इस तरह 3 2 और x2 का कोफिशिएंट है 2। यहाँ पे x3 कोफिशिएंट 0 तो 0 5 और 5। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट 1 है बाकी 0 है 0 1 0 0 0 1। और ये हो गया अपने पास यहाँ पे x1 x2 x3 s1 s2 s3 = 8 15 10। फिर ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ए जो है ए में से हम एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स कि वो हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देते हैं। तो ये में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा बनाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है इसमें। तो हमने ये इसको हम लिख सकते हैं ए बराबर कॉलम वाइज α1 α2 α3 α4 α5 α6। फ्रेंड्स α1 ये है, α2 ये है, α3 ये है, α4 जो है वो ये है, α5 ये है, α6 ये है। फिर इस तरह से है ये। अब हम सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। फ्रेंड्स सिंप्लेक्स टेबल का प्रारूप ये है। सिंप्लेक्स टेबल में होती है यहाँ सी बी जो कॉस्ट वैल्यू के नाम से जानी जाती है, एक्स बी जहाँ पे जो एक्स जो कोफिशेंट होंगे वो होंगे हमारे पास, और बी जो होगी अपने पास जो बेसिस बना रहे होंगे उनके होंगे जैसे α2 α3 इनमें से होंगे जो भी बेसिस बना रहे होंगे। और यहाँ पे बी जो होंगी वो वैल्यू होगी बी जो ये वैल्यू 8 15 10 ये वैल्यू बी की वैल्यू होंगी। और यहाँ पे होंगे हमारे पास x1 x2 x3 s1 s2 s3।
ये होंगे फ्रेंड्स। और यहाँ चीज़ें जो कि अपने पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, उनकी वैल्यू होंगी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या क्या है अपने पास, 3x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3। तो 3 5 4, ये 3 5 4 0 0 0। और फ्रेंड्स बी की जो वैल्यू होंगी वो होंगे अपने पास 8 15 10, 8 15 10। और जो अपने पास बेसिस बना रहे होंगे वो है अपने पास α4 α5 एंड α6। तो ये हो गया α4 α5 α6। और एक्स बी में अपने पास यहाँ पे s1 है, s2 है, s3 है। और फ्रेंड्स जो सी बी है, कॉस्ट वैल्यू क्या है अपने पास, तीनों s1 s2 s3 के लिए 0 0 है। यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये मैट्रिक्स ये कोई यूं के जो का त्यों यहाँ पे उतार देते हैं, हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे। तो उसको कॉपी करते हैं 2 3 0 3 2 2 0 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब फ्रेंड्स हम नीचे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं जेड जे माइनस सी जे, जो कि होता है सी बी एक्स बी माइनस सी जे। इससे हम ये जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। जेड जे माइनस सी जे सी बी एक्स बी माइनस सी जे। तो सी बी एक्स बी क्या है फ्रेंड्स, सी बी ये रहा, एक्स बी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो इसे 0 × 2 0 × 3 0 × 0 − 3, तो ये −3। इस तरह ये वाला −5, ये अपने पास हो गया −4 0 0 0। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम करते हैं xbi − yij। अब फ्रेंड्स xbi − yij, yij में हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं, उसके लेते हैं जो मिनिमम हो। मिनिमम पहले देखते हैं, मिनिमम जेड जे माइनस सी जे इक्वल टू −5। ये अपने पास मिनिमम जेड जे माइनस सी जे −5 अपने पास यहाँ पे। तो हम जो वाई आई जे लेंगे एलिमेंट, वो ये लेंगे 3 2 1। इस रो के हम, इस कॉलम के हम एलिमेंट लेने होंगे 3 2 1। तो एक्स बी आई क्या है अपने पास, 5। ये हो गया 5/3, 5/2 एंड 5/2। फ्रेंड सबसे यहाँ मिस्टेक हो गया, xbi − yij वो होगा वो इस तरह से नहीं होगा, ये 8/3। एक्स बी आई की वैल्यू अपने पास ये है, तो ये होगा 8/3, 15/2 एंड 10/2। अब फ्रेंड्स इसमें हम मिनिमम देखते हैं, मिनिमम xbi − yij बराबर मिनिमम क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8/3 मिनिमम है, तो 8/3। अब फ्रेंड्स हमें नई सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए हमें इसमें कुछ कुछ हमें जो वेक्टर होंगे हमें एंटर कराने होंगे, कुछ एग्जिस्ट करेंगे, एक्सिट करेंगे यहाँ से। तो सबसे जो एंटर करेगा वो होगा मिनिमम जेड जे माइनस सी जे, जिस पे भी ये हो रहा होगा मिनिमम जेड जे माइनस सी जे वो एंटर कर जाएगा। यहाँ ये हो रहा है तो α2 एंटर कर जाएगा इसमें। और मिनिमम xbi − yij क्या है, 8/3। ये किसके अकॉर्डिंग है, 8/3 s1 के अकॉर्डिंग है, ये s1 के अकॉर्डिंग। तो s1 जो होगा इसमें से एग्जिस्ट कर जाएगा, एक्सिट कर जाएगा, ये s1 एग्जिस्ट कर जाएगा, एक्सिट कर जाएगा। इस तरह से फिर से हम नई सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। अभी फिर से हम ये टेबल बनाते हैं, नई टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, सबसे पहले हमने देखा है α2 है जो एग्जिट वेक्टर होगा यहाँ 3। 3 का हमें पूरी रो में मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ तो 0 हो जाएगा। यहाँ s1 की जगह हम एंटर क्या कर गया अपने पास, α2 यानी x2 एंटर कर गया α2। और जो b में डिवाइड करने पर जाएगा 8/3, इसी तरह 2/3, 1 0, 1/3 0 0। अब फिर से हम आगे जो अगला स्टेप है वो हम स्टेप इस तरह चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास α5 है, तो α5 में ये अपने पास जो रहेगा वो 1 ही रहेगा।
अल्फा 5 को चेंज करने में 1 रहेगा, जबकि ये अपने पास 2 है, ये है जो x2 का जो कोफिशेंट है, बाकी 0 होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए अगर हम अल्फा 2 वाली रो में हम 2 का मल्टीप्लाई करें, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 अल्फा 2, इस रो का पूरा नाम, सॉरी, हम 2 R1, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें और माइनस, सॉरी, 2 R1 R2 माइनस 2 R1 करें, R2 माइनस 2 R1 कर रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे R2 माइनस 2 R1 कर लें तो देखते हैं हम, जिस 2 का मल्टीप्लाई करने पे, इसमें पूरे हम 2 का मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाएगा, तो ये अपने पास 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसको इस तरह से चेंज करने पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अल्फा 2 का कोफिशिएंट क्या है, वो 5 है, तो 5 आएगा यहाँ, यहाँ पे 0 अल्फा 5 x5। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने R2 क्या, अपने पास 15 में से, या 15 में से 8/3 में 2 का मल्टीप्लाई किया, तो यह हो गया अपने पास 24/3, 24/3 2 का मल्टीप्लाई किया तो 16/3, 15 माइनस 16/3 किया तो 15 माइनस 16/3, तो फ्रेंड्स ये हो गया अपने पास 30 माइनस 16 45 माइनस 16/3, ये हो गया अपने पास 29/3। तो फ्रेंड्स ये हो गया 29/3। इसी तरह फ्रेंड्स अपने पास आ जाएगा 5/3, 0 4 माइनस 2/3, 1 0। इसी से फ्रेंड्स इसमें करना है हमें, s2 alpha x alpha 5 और alpha 6। अब फिर इसमें भी हमें 0 का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, हमें वही इसी तरह 2 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई करके ये R3 माइनस 2 R1 करने पे हमारे पास ये आ जाएगी, जो अगली टेबल होगी वो अपने पास 14/3 माइनस 4/3, 0 5 माइनस 2/3, 0 1। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिर से कैलकुलेट करते हैं जेड जे माइनस सी जे। फ्रेंड्स जेड जे माइनस सी जे हम कैलकुलेट तब तक करते हैं जब तक कि जेड जे माइनस सी जे के सारे कोफिशेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना आ जाए। अब यहाँ पे करते हैं तो ये हो गया 10/3 माइनस 3 किया तो अपने पास आ गया 1/3। इस तरह इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, बाकी करने पर 0 हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 0 हो गया इसका किया, तो ये 0 0 0 ये -4 हो गया इसका क्या है, तो इसी तरह 5/3 0 0। फिर से यहाँ सबसे नेगेटिव जो अब हमारे पास एंट्रिंग वेक्टर होगा, जो एंट्रिंग वेक्टर होगा वो होगा अपने पास मिनिमम जेड जे माइनस सी जे। देखते हैं हम उसके लिए मिनिमम जेड जे माइनस सी जे क्या है, यहाँ पे एक्स एल्फा 3 से रिलेटेड है, तो ये तो एंट्रिंग वेक्टर हो जाएगा अपने पास। और फिर जो एग्जिस्ट वेक्टर होगा उसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं xbi-yij। अब फिर यहाँ तो हमारे पास एंट्रिंग आ गया पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे चेक नहीं करते, चेक इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 0 है, और अगर हम 0 का किसी में डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आएगा, उसे चेक करने से कोई मतलब नहीं होता हमारे पास, तो हम इन दोनों के लिए चेक करेंगे मात्र। 29/3/4 ये आ जाएगा 29/12। इसी तरह यहाँ इसको चेक किया 14/3/5 ये हो गया 14/15। फ्रेंड्स मिनिमम इसमें क्या है, मिनिमम xbi-yij क्या है अपने पास, वो है अपने पास 14/15, जो कि अपने पास s3 से रिलेटेड है, जो s3 से रिलेटेड है, तो हमारे पास जो x3 होगा वो एग्जिट वेक्टर हो जाएगा। इस तरह फ्रेंड्स हम नई सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, अभी फिर सब नई सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं, तो उसमें हमने सबसे पहले देखेंगे अल्फा 2 को, पे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो अल्फा 2 यहीं पे रख देंगे हम, क्योंकि अल्फा 2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, और साथ ही हमारे पास देखा है हमने कि अल्फा 5 पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि s3 एग्जिट कर रहा है, तो ये भी रहेगा अपने पास अल्फा 5 0।
और ये रहेगा अपने पास एस थ्री की जगह जो एंटर कर रहा है वो है अपने पास एक्स थ्री, अल्फा थ्री एंटर कर रहा है। तो यहाँ की वैल्यू क्या है, चार, ये हो गई ये अल्फा थ्री, यहाँ एक्स थ्री, एस टू, एक्स टू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये फाइव है ये, क्योंकि एस अल्फा थ्री वाला हमें इसको हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा इसमें, इस बार जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है हमें वो एक्स वन एस टू मतलब अल्फा टू अल्फा फाइव और अल्फा थ्री वाले बनाने हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको वन बनाना होगा, इसको जीरो बनाना होगा, इसको जीरो बनाना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें डिवाइड करेंगे, इसका फाइव का डिवाइड दोनों तरफ कर पूरी रो में कर देते हैं। तो फाइव का डिवाइड करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 14/15 -4/15 0 1 -2/15 0 एंड ये आ जाएगा अपने पास 1/5। ये आ गया फ्रेंड्स, अब हमें इसको जीरो बनाना है, इस टर्म को जीरो, इस रो को, रो में हमें इस टर्म को जीरो बनाना है। इस टर्म को जीरो बनाने के लिए और साथ ही हमें ध्यान रखना है कि अपने पास जो ये है एस टू वाला ये वन ही रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें फोर का मल्टीप्लाई करके, इस रो में हमें आर थ्री में हमें फोर का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देना होगा। तो ये करते हैं हम, इसमें हम कर रहे हैं वो है अपने पास आर टू माइनस फोर, सॉरी आर थ्री, सॉरी आर टू माइनस फोर आर थ्री, आर टू माइनस फोर आर थ्री कर रहे हैं। तो ऐसा करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 89/15 41/15 जीरो जीरो -2/15 वन -4/5। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जीरो बनाने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही जीरो है। तो इसको एज इट एज रख देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास 8/3 2/3 जीरो 1/3, सॉरी जीरो, यहाँ पे भी जीरो है 1/3 जीरो जीरो, ये रख दिया। फ्रेंड्स हमें फिर से जेड जे माइनस सी जे निकालना है। जेड जे माइनस सी जे बराबर क्या होता है, वो होता है सी बी एक्स बी माइनस बी जे सी जे, ये होता है। अब फ्रेंड्स ये निकालते हैं, तो फिर से हम यहाँ पे इस 4 × 2/5 × 2/3 4 × -4/15 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस, इसको माइनस करते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास -11/15, ये आ जाएगा जीरो, ये जीरो। फ्रेंड्स यहाँ पे अपने पास जीरो है, वन है, ये जीरो जीरो। ये आ जाएगा अपने पास 17/15, ये 0 4/5। फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं जेड जे मिनिमम जेड जे माइनस सी जे, मिनिमम जेड जे माइनस सी जे क्या है, वो नेगेटिव में, जो मिनिमम जेड जे माइनस सी जे ये हो गया अपने पास ये। तो मिनिमम जेड जे माइनस सी जे ये हो गया, तो ये हमने पास ये हो गया कि अल्फा वन होगा जो इस बार एंटर करेगा। अब हम देखते हैं एक्स बी आई माइनस वाई, एक्स बी आई माइनस वाई आई जे, वो देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसका डिवाइड करते हैं 5/2/3, इसका डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास 4 8/3/2/3 करते हैं तो ये 4 आ जाता है। इसी तरह ये करते हैं 89/15/41/15 तो ये आ जाता है 2.17। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे अपने पास ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम लीव कर देंगे। ये हो गया अपने पास, तो अपने पास जो एंट्रिंग वेक्टर होगा वो होगा 2.17 वाला एंट्रिंग वेक्टर का होगा, मतलब कि अल्फा फाइव जो होगा वो एक्सिट कर जाएगा। एंट्रिंग वेक्टर तो ये हो गया अपने पास अल्फा वन, और जो एक्सिट वेक्टर है वो अपने पास हो गया एस टू। अब फ्रेंड्स हम फिर से सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं, अब फिर सिंपलेक्स टेबल बनाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो अल्फा टू था, सॉरी अल्फा वन था, वो एंट्रिंग वेक्टर था। सॉरी फिर अल्फा वन था वो एंट्री वेक्टर था, और वो अल्फा फाइव था जो एक्सिट वेक्टर था। तो यहाँ तो आ जाएगा अल्फा टू, यहाँ पे अल्फा वन एंड अल्फा थ्री।
ये आ जाएगा। अब इनकी कॉस्ट वैल्यू क्या है वो आ जाएंगे अपने पास, फाइव यहाँ पर अल्फा थ्री फोर और इसी क्या है थ्री, ये आ जाएंगी वैल्यू। यहाँ पे लिख देंगे हम एक्स टू एक्स वन एक्स थ्री। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें अल्फा वन हमने एंट्री किया है, तो यहाँ पे जो अल्फा वन वाले में होंगे यहाँ पे हमें वन का कोफिशिएंट बनाना होगा। वन के लिए इसके लिए हमें 89 अपॉन 15 में डिवाइड करना पड़ेगा 41 अपॉन 15 का। फ्रेंड्स ये डिवाइड किया तो ये आ जाएगा अपने पास 89 अपॉन 41, ये हो जाएगा 100 माइनस 2 अपॉन 41, ये हो जाएगा अपने पास 15 अपॉन 41, और ये हो जाएगा अपने पास लास्ट वाला, ये हो जाएगा -12 अपॉन 41, ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे इसको हमें वन बनाना, जीरो बनाना है। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई करना होगा, साथ में माइनस कर देंगे हम इसको। तो ये इसके लिए ये काम करने पर इसमें 2/3 का मल्टीप्लाई किया, 2/3 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से हमने इसको घटा दिया है, इस रो को घटा दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा 50/41, ये हो जाएगा 0 1 0 15/41 -10/41 8/41। इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें 4/15 का मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो 4/15 का मल्टीप्लाई कर किया इस रो में और हम इसमें R3 में हमने ऐड कर दिया, तो ये अपने पास आ जाएगा 62/41, ये 0 0 1 -6/41 4/41 5/41। अब फिर से जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं हम, अब फिर जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं, तो जेड जे माइनस सी जे निकालने के लिए सिंपली इसका इन तीनों का मल्टीप्लाई इससे करो, इन तीनों रेस्पेक्टली इसे 5 का 5 इंटू 0 3 इंटू 1 4 इंटू 0 -3, तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह इस रो में क्या तो ये 0, ये 0, इसमें क्या तो ये हो जाएगा 45/41, ये आ जाएगा 11/41, ये आ जाएगा 5/21, 5/21 आ गया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ये आ गया, जेड जे माइनस सी जे की हम सारी वैल्यू देखते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जेड जे माइनस सी जे की सारी वैल्यू है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब हमने निकाल लिया है जेड जे माइनस, चूँकि जेड जे माइनस सी जे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे, ये हमने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया है, सो दिस इज ऑप्टिमल सिंप्लेक्स टेबल। फ्रेंड्स ये हमारे पास जो टेबल आई है, ये टेबल जो आई है हमारे पास, इसको आप फिर से देख लीजिए, सारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमें एक्स वी आई माइनस वाई आई जे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम जो वेक्टर निकालते थे वो एक्सेट वेक्टर जो निकालते थे वो हम नेगेटिव माइनस सबसे जो नेगेटिव होता था वो देखते थे, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो इसके बाद कोई हमारे पास एक्सेट नहीं करेगा, सॉरी इंटर नहीं करेगा। अब इंटर नहीं कर रहा कोई वैक्टर तो हम आगे कोई सिंप्लेक्स टेबल बना ही नहीं सकते, तो ये हो गया अपने पास ये जो ऑप्टिमल टेबल है, ये टेबल है जो ऑप्टिमल है। अब यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ये टेबल ऑप्टिमल है, तो वैल्यू जो ऑप्टिमल वैल्यू होगी, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखते हैं, तो वो होगा एक्स वन बराबर अपने पास 89/41, यहाँ से 89/41, एक्स टू बराबर 50/41 एंड एक्स थ्री बराबर आ गया अपने पास 62/41, ये आ गया फ्रेंड्स अपने पास। एंड जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास, ऑप्टिमल वैल्यू क्या है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू, मैक्सिमम जेड इक्वल टू क्या था फ्रेंड, 3x1 + 5x2 + 4x3। फ्रेंड्स इसी के अकॉर्डिंग है, और ये हमने सबसे पहले टेबल में लिखा भी था हमने यहाँ पे 3x1 + 5x2 + 4x3, ये हमारे पास ऑप्टिमल, ये मैक्सिमम जेड निकालना है, तो ये हमारे इन पॉइंटों पर मैक्सिमम निकलेगा, तो वो निकालने के लिए 3 × 45/41 + 5 × 11/41 + 4 × 62, सॉरी ये 50/41 है, ये 50/41
ये निकालते हैं, तो थ्री एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू लिखनी है इसमें, इसमें लिख देते हैं 3 × 89/41 प्लस 5 × 50/41 प्लस 4 × 62/41। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 765/41 जो कि हमारे पास इसका आंसर है। फ्रेंड इसी तरह हम इसके बाकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।